हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जीरो चार्ज्ड। मेरा नाम है अंकित एंड आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो लाइट्स आती हैं, उन लाइट्स का क्या मीनिंग है एंड जब वो लाइट्स आए तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू टुडे। वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। सो द फर्स्ट लाइट इज द सीट बेल्ट वार्निंग लाइट। जब हम कार में सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो ये लाइट जो है ऑन हो जाती है। सो द सिंपलेस्ट वे इज कि हम लोग सीट बेल्ट को जो है वो प्रॉपरली लगा ले। पहले सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए सीट बेल्ट जो था वो मैंडेट था, बट अभी जो है सब पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट जो है वो मैंडेट हो गया है। सेकेंड लाइट जो है ये आपकी इंजन माल फंक्शन की लाइट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइट बिकॉज अगर आपके इंजन में कोई इशू है तो ये लाइट आपकी जो है बंद नहीं होगी। इस लाइट का ये मतलब है या तो आपके इंजन में कोई इशू है, या तो आपका इंजन हीट हो गया है, या तो आपके इंजन में किसी भी रीजन से जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। सो जब भी ये लाइट ब्लिंक करे और ये ब्लिंक करने के बाद बंद ना हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक नियरेस्ट सर्विस सेंटर के पास दिखा दे एंड उनको बताएं कि ये लाइट ऑन हो रही है सो दैट वो क्विकली चेक कर सके। कभी कभार एक छोटा सा ही इशू हो सकता है बट प्लीज गेट इट चेक बिकॉज इन केस कुछ मेजर इशू हो तो इंजन सीज भी हो सकता है। नाउ जो आप थर्ड लाइट देख रहे हैं वो है इंजन ऑयल लाइट। सो बेसिकली आपके इंजन में कितना ऑयल है, या इंजन का ऑयल कम है, या फिर किसी रीजन से इंजन के ऑयल में प्रेशर क्रिएट हो गया है तो ये लाइट जो है आपकी बंद नहीं होगी। सो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जाए, अपने इंजन ऑयल को चेक कराएं कि ये पुराना हो गया है एंड उसको चेंज करवाएं, या फिर अगर कम है उसको टॉप अप करवाएं। सो प्लीज गेट योर कार सर्विस टाइमली सो दैट इंजन ऑयल की लाइट जो है वो ना आए। नाउ जो फोर्थ लाइट अभी हम देख रहे हैं वो है बैटरी की लाइट। केस अगर आपकी बैटरी जो है वो लो है या फिर वो प्रॉपरली चार्ज नहीं है किसी भी रीजन से तो वो लाइट जो है ब्लिंक करेगी। सो द सॉल्यूशन इज टू गेट चेक्ड कि आपकी बैटरी कितनी पुरानी हो गई है। अगर वो चार्ज नहीं हो रही है प्रॉपरली तो चार्ज क्यों नहीं हो रही है प्रॉपरली, और अगर वो पुरानी हो गई है तो उसे रिप्लेस करने की जरूरत है या नहीं। नाउ द नेक्स्ट लाइट वी हैव इज द ब्रेक लाइट। सो ये जो है आपकी हैंड ब्रेक की लाइट है। जब आप अपने हैंड ब्रेक को डाउन कर देंगे तो ये लाइट जो है वो चली जाएगी, बट इन केस ये हैंड ब्रेक डाउन करने पे भी लाइट नहीं जाती है तो आप प्लीज अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे दिखा लीजिए कि ये लाइट जो है क्यों खराब है। नाउ दिस लाइट इज पावर स्टेयरिंग लाइट। आप देख सकते हैं कि इस पे एक स्टेयरिंग बना हुआ है। हमारी कार्स में दो टाइप्स के स्टेयरिंग होते हैं, एक होता है मैनुअल स्टेयरिंग, एक होता है पावर असिस्टेड स्टेयरिंग। मैनुअल स्टेयरिंग जो है वो काफी हार्ड रहता है और जो पावर असिस्टेड स्टेयरिंग रहता है वो आपका काफी सॉफ्ट रहता है, जिसमें आपकी मेहनत जो है वो कम लगती है और आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। सो दिस मीन्स कि आपका पावर स्टेयरिंग बंद हो गया है, नाउ आपका स्टेयरिंग जो है वो मैनुअल मोड पे काम कर रहा है। सो प्लीज गेट इट चेक्ड एट द नियरेस्ट सर्विस सेंटर टू गेट द पावर स्टेयरिंग इशू फिक्स्ड। नाउ जो आप लाइट देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये है आपकी स्मार्ट हाइब्रिड की लाइट। सो व्हाट डज दिस लाइट मीन। ये लाइट जो है नॉर्मली मारुति की कार्स में देखी जाती है। सो इस लाइट का मतलब ये है कि अगर आपके कार में स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम काम कर रहा है तो ये लाइट जो है आपकी ग्रीन रहेगी। ये लाइट आपकी तब ऑन होगी जब आप ट्रैफिक में रुकेंगे एंड आपका इंजन जो है बंद हो जाएगा। सो ये स्मार्ट हाइब्रिड जो है आपके इंजन को ऑफ कर देता है ताकि आपका फ्यूल बच सके। इसके नीचे ही आप देख सकते हैं जो येलो लाइट है वो स्मार्ट हाइब्रिड बंद होने पे लाइट आएगी, जो हम मैन्युअली बंद कर सकते हैं। ये जो स्विच साइड पे है ये स्मार्ट हाइब्रिड को बंद करने के लिए है। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपका स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो ऑन रहता है, बट इन केस अगर आप उसे मैन्युअली बंद करना चाहें तो आप यहां से बंद कर सकते हैं एंड बंद करते ही आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो है वो येलो साइन आ जाएगा, स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो बंद हो गया है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइट है वो है आपकी जनरल वार्निंग लाइट। ये लाइट कभी भी किसी भी रीजन से आ सकती है, विच मीन्स कि अगर आपके सिस्टम में कहीं पे भी कोई फेलियर है, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो, चाहे वो वायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बैटरी से रिलेटेड हो, जिसको आपका कार का ECU यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि किस वजह से वो लाइट है, तब ये लाइट जो है ब्लिंक हो जाएगी। सिंपली आप अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे चले जाइए एंड वो लोग जो है एक थॉरो डायग्नोसिस करेंगे कि ये लाइट जो है क्यों आ रही है। नेक्स्ट लाइट जो आप देख रहे हैं वो है एक व्हाइट कलर का बैटरी लाइट। ये बैटरी लाइट जो है वो आपकी मारुति की स्मार्ट हाइब्रिड कार्स में देखा जाता है। सो दिस लाइट इज अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग लाइट। नाउ व्हाट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग लाइट। रीजनरेटिव लाइट मींस जब आप कार को ढलान पे उतारते हैं या जब कार को आप एक्सेलरेट नहीं करते हैं, जो आपकी ब्रेक्स हैं
वो ऑटोमेटिकली पावर प्रोड्यूस करता है थ्रू द रीजनरेटिव मैकेनिज्म, एंड वो पावर जो प्रोड्यूस होती है वो आपकी सेकेंड बैटरी में जाके स्टोर हो जाती है। अब आप बोलोगे ये सेकेंड बैटरी कौन सी है, एक बैटरी जो है वो आपके कार के बोनेट के नीचे रहती है जो आपके इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करती है, दूसरी बैटरी जो है वो मारुति के स्मार्ट हाइब्रिड में आपके ड्राइवर सीट या फिर पैसेंजर सीट के नीचे रहती है। इस बैटरी का स्पेसिफिक काम ये है कि जब आप ट्रैफिक में रुके तो वो गाड़ी को ऑफ या ऑन करने में पावर दे, एंड जब आप एक्सेलरेट करें तो इनिशियल पावर में एक पंच जो है वो आपको उस बैटरी से मिलता है। सो वो बैटरी जो है आपकी फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करता है। सो उसे चार्ज करने के लिए ये रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो मारुति ने यूज की है। सो इन केस आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम नहीं कर रहा है तो ये लाइट ऑन नहीं होगी। नेक्स्ट जो लाइट आप देख रहे हैं वो है आपकी एयरबैग की लाइट। कार को ऑन करने के 2 सेकंड के बाद ये लाइट जो है वो चली जानी चाहिए। इन केस वो लाइट नहीं जाती है तो प्लीज गो टू योर नियरेस्ट सर्विस सेंटर एंड गेट इट चेक, बिकॉज दैट मीन्स कि आपका एयरबैग जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। सो गॉड फॉरबिड अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो वो एयरबैग जो है डिप्लॉय नहीं होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेफ्टी परस्पेक्टिव, अगर आपकी एयरबैग की लाइट ऑन रहती है प्लीज गेट इट चेक फ्रॉम द नियरेस्ट सर्विस सेंटर एंड गेट इट फिक्स्ड। अब जो हम लाइट देख रहे हैं वो है आपकी ABS लाइट। ये ABS लाइट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन जैसे ही आप कार को ऑन करेंगे 2 सेकंड के बाद ये लाइट जो है ऑफ हो जाएगी। अगर ये लाइट ऑन रहती है दैट मींस आपका एंटी ब्रेकिंग लॉक सिस्टम जो है वो काम नहीं करता। एंटी ब्रेकिंग लॉक सिस्टम मींस कि जब आप कार को फास्ट चला रहे हैं या फिर हाईवे पे चला रहे हैं, इन केस अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपकी कार जो है वो स्किड नहीं होगी। नाउ हाउ डज दैट मैकेनिज्म वर्क, वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ सेपरेट वीडियो इन डिटेल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइट, इन केस ये ऑफ नहीं होती प्लीज गेट इट चेक्ड। सो अनदर लाइट दैट यू कैन सी इज अ टायर प्रेशर लाइट। इन केस आपके टायर में हवा कम है या ज्यादा है, ये लाइट जो है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाएगी, एंड जैसे ही हवा जो है आप कम करवा लेंगे या फिर भरवा लेंगे ये लाइट जो है चली जाएगी। नेक्स्ट जो लाइट आप देख रहे हैं वो है लो फ्यूल इंडिकेटर लाइट। ये लाइट तब ऑन होती है जब आपका फ्यूल जो है वो कम हो जाता है। आप सिंपली पेट्रोल पंप पे जाके फ्यूल रिफिल करवा लीजिए एंड ये लाइट जो है वो चली जाएगी। ऑलराइट दोस्तों, आई होप आपको आज का इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में आप शेयर करिए ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। अगर आप कुछ और वीडियोस भी मुझसे चाहते हैं, चाहे वो DIY हो चाहे वो ऑटोमोटिव से रिलेटेड हो, प्लीज फील फ्री टू शेयर सो दैट आई कैन क्रिएट कॉन्टेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड जय हिंद।